हाथरस में हुए हादसे के बाद कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार के लोगों को खोज रहे हैं, लेकिन उनके बारे में उन्हें खुद ठोस जानकारी नहीं मिल पा रही है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, भैया कहाँ से आए हैं? गांव के आसपास ही गांव। हाँ जी, 12 किलोमीटर के तरफ। आपकी कौन से जो यहाँ पर आए? वो हमारी भाभी लगती है। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम है, कितनी उम्र है? उम्र है उनकी लगभग 30-35 के समथिंग। अच्छा, तो वो भी सत्संग में आई थी? सत्संग में आई हुई थी। और दर्शन कौन आया था उनके साथ? से हमारे गांव से कई लोग आए थे। दो तीन महिला आई। अच्छा, कई लोग आए थे गाँव से। बाकी लोगों का मालूम चल गया? बाकी लोग तो सारे घर पहुँच गए हैं। और तो सारे हैं, वो एक लेडीज मिसिंग है। हेलो, सीन दिखा रहा, मतलब कहाँ देखा आपने? हाँ जी। अच्छा, लेकिन जानकारी नहीं मिल रही है। हमने हाथरस भी देख लिया, अलीगढ़ भी देख लिया, एटा भी देख लिया, तीनों जगह देख लिया, अभी मिली नहीं है। खबर कर दी हेलो। तो सत्संग में पहली बार आई थी, इससे पहले भी आ चुकी है वो? एक आध चक्कर मार गई थी। अच्छा, आप लोग भी आते थे क्या सत्संग में? नहीं, हम नहीं आते थे। अच्छा, हम तो अपन बिल्कुल देखने आए हैं। जानते हैं बाबा के बारे में? जानते हो कौन है, क्या है, कहाँ से? नहीं हम लोग उनको नहीं जानते। फिर कैसे आ गई आपको? जानती थी क्या? वे आती जाती रहती तो देखे की यहाँ पर उन्होंने अपनी भाभी की तस्वीर मोबाइल पर देखी है टीवी में, उसके बाद ही यहाँ पर पहुंचे हैं। ये देखिए कहाँ पर, ये कौन सी भाभी आपकी? देखो ये रही। रुको रुको रुको। अच्छा अच्छा, एक जगह रुको रुको रुको। ये देखिए जो वीडियो वायरल है, ये उसमें ये आपकी भाभी है? हाँ जी। अच्छा, कैमरे के क्या नाम बताया उनका आपने? नाम तो मेरे को अभी पता नहीं है, मैं नाम नहीं लेता कभी। नाम किसी को नहीं पता, हम नाम नहीं लेते। अच्छा, नाम ही लेते हैं। लेकिन भाभी है। अच्छा, भाभी लगती है। हाँ, हमारा आदमी है। हम तो बाहर रहते हैं, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। कोई जानकारी नहीं मिल रही है अभी। सारे लोग हैं वो वहाँ हाथरस देख रहे हैं, अलीगढ़ भी देख आ रहा हूँ मैं अभी, जस्ट वहाँ भी नहीं है। और इसका मतलब वो एटा भी देख लिया। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने घर वालों को, अपने परिजनों को खोज रहे हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत जानकारी नहीं मिल पा रही है। अभी बहुत सारे शवों की पहचान भी नहीं हो पाई है। बहुत सारे लोग घायल हैं जो कि अलग अलग अस्पतालों में भर्ती है, एटा, अलीगढ़, इसके अलावा हाथरस, तमाम जगहों पर भर्ती है। और ऐसे में उनकी सही और ठोस जानकारी उनके परिजनों को नहीं मिल पा रही है। मेरे साथ एक माता जी है। माता जी कहाँ से हैं आप, क्या नाम है आपका? तो आप कौन, आपका गायब है, आपको किसकी जगह नहीं मिल रहा? क्या नाम है उसका? खुशबू। तो कोई जानकारी मिली आपको उसके बारे में? कहाँ कहाँ गई आप? अच्छा, और कहाँ, जहाँ घटना हुई थी वहाँ भी पता नहीं पड़ा? आपके साथ आई थी वो? अच्छा, तो आप उस वक्त कहाँ थे जब घटना हुई? वहीं है पांडाल में। और आपकी नातिन कहाँ थी? वो वहीं है। अच्छा, तो वो वहाँ से गायब हो गई? हाँ, भक्कर पर हो ना, धक्का मुक्की गई। अच्छा, धक्का मुक्की क्यों हुई? हमारे जल्दी जल्दी जीत कैसे क्यों मची का पता हमें। अच्छा, कितने लोग थे वहाँ? भरा पूरा पांडा। अच्छा, जब लोग इतने ना होते तो फिर इतनी काय होती क्या? जब आप जानती हैं बाबा जी को पहले से या पहली बार आएंगे? उनका पुराना जो इतिहास है वो क्या है, वो पता है बाबा के बारे में? और कुछ जानकारी है बाबा के बारे में कि उन पर पहले की कुछ केस दर्ज है, कुछ पता है आपको उसके बारे में? अच्छा, तो ऐसी बस आप कैसे आना शुरू हुई? अच्छा, तो यहाँ पर ये माता जी हैं कि नातिन जो है वो गायब है, उनकी तलाश कर रही हैं। अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई आपको? तो कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो इस तरह से बहुत सारे लोग परेशान हैं जिनके अपने मिसिंग हैं, तमाम अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं जहां पर ये पूरी घटना हुई है, वहां के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई ठोस जानकारी उनको नहीं मिल पा रही है। हाथरस से कैमरामैन राकेश सिंह के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर NDTV मीडिया।